बागमारा चिकित्सा के लापरवाही किए जाने से 32 वर्षीय रीना देवी नामक विवाहिता की मौत धनबाद के एक अस्पताल में हो गया। मौत होने के बाद परिजनों ने शव को लाकर चौधरी नर्सिंग होम के मुख्य द्वार के समक्ष रखकर मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। अस्पताल प्रबंधन तथा परिजनों के साथ समाचार लिखे जाने तक वार्ता चल रही है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और रविवार को ऑपरेशन होने के बाद रीना का तबीयत अचानक बिगड़ गया, जिसके बाद चिकित्सक ने धनबाद रेफर कर दिया। परिजनों ने कहा कि मृत्यु चौधरी नर्सिंग होम में ही रविवार को हो गया था, जिसके बाद वेंटिलेटर का बात कहकर रेफर किया गया था। कहा महज अप्रेंटिस का ऑपरेशन के चलते अगर मरीज मर जाए तो हम सब गरीब क्या करेंगे। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अपेंडिक्स का उतना भी दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग सोचते कि ज्यादा रोज पेट पेट करती है, मरवाते हम लोग क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसको क्या हुआ कि डॉक्टर जब ऑपरेशन रूम में ले गया, ऑपरेशन हुआ उसके बाद से बाहर निकाले, मैंने 3 दिन ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स के पेट में, यहाँ हुआ हमें यही हुआ। कब लाए? कब लाए थे? शुक्रवार को लाए थे दोपहर में। ऑपरेशन के बाद फिर क्या हुआ? ऑपरेशन के देखिए ठीक ऑपरेशन से पहले 10 मिनट पहले ऑपरेशन कब हुआ था? अरे क्या चीज का इलाज करवाने लाए थे? अपेंडिक्स का। कब लाए थे? कब लाए थे? शुक्रवार को दोपहर में। फिर क्या हुआ? 12 बजे के करीब में। फिर क्या हुआ? तो उस दिन बोले सुबह में ऑपरेशन होगा, उसी दिन डॉक्टर नहीं है, दूसरा दिन भी डॉक्टर नहीं है, तीसरा दिन संडे को डॉक्टर आए, समझ गया ना। शनिवार को भी दिन भर इसको उपवास रखा कि रात में ऑपरेशन होगा, उस दिन डॉक्टर फेल कर गए, वो दिन नहीं हुआ। संडे को 7 बजे इसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से लाते लाते इसका जीव सब ऑपरेशन थिएटर से लाते ही ऑपरेशन करने के बाद जीव सब उलट दी, आँख इसका एकदम हो गया, आँख सब फाड़ दी। उसके बाद डॉक्टर फिर ऑपरेशन रूम में ले गया और उसके साथ क्या किया बस वहीं पर दम तोड़ दी। और उसके बावजूद इसको गाड़ी में बैठा करके और बिना ऑक्सीजन को ऑपरेशन हुआ, इसको बिना ऑक्सीजन को ऑपरेशन हुआ। हाँ यही एक्सपायर कर गई है, पार्टी को डिस्कवर बनाया गया कि ये जीवित है, जीवित नहीं थी। इसको ऑक्सीजन मैंने थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन रहता है उसको वहाँ ले जा करके इसको वहाँ पर जाँच किया और यहाँ के डॉक्टर 1 घंटे बाद एम्बुलेंस में आए हैं। एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं है कि मरीज अगर सीरियस हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस बाहर जाए, समझ गए ना। तो वहाँ से सर्विस एम्बुलेंस आया और उन्हें एम्बुलेंस में ले करके जाते जाते इसका 30-40 मिनट लग गया। 30-40 मिनट के बाद ये अपना दम तोड़ दी, इसका जीव सब उलट गया। और आज हुआ था? कब? नहीं, संडे को रात में हुआ था 7 बजे। मौत कब हुआ? मौत हुआ उसी दिन हुआ है। अब 3 दिन इसको मौत से ही उसको वेंटिलेटर पर रखा गया कि पब्लिक को गुड़बा बनाने के लिए कि इसको हम जीवित रखे हैं, मगर जीवित नहीं था। मेरा पेशेंट उसी दिन दम तोड़ दिया था, मेरा सामने गाड़ी यहाँ से रेफर कर दिया था। नहीं, रेफर किया था यहाँ के जो चौधरी साहब है, तुरंत बोले कि आप असरफी में ले जाइए, वेंटिलेटर है, इसका ऑक्सीजन है, वहाँ चढ़ेगा ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसका नस यहाँ पर तोड़ थे, इसका कुछ नहीं था। यहाँ का डॉक्टर के कारण खुद ले गए, खुद एडमिट कराया है, बोले जो खर्चा होगा हम लगाएंगे, वही बोले खुद से बोले हैं। धीरज चौधरी और सब रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं। आज भी बॉडी चुप लिया, इनके फोन पर दिया। सुनिए ना, डॉक्टर बर्नवाल आए थे वहाँ से, बीकेवी बर्नवाल आए थे धनबाद से, वही ऑपरेशन करने आ गए और उसके बाद दोबारा घूर के नहीं आया कि मेरा पेशेंट को क्या हुआ। धीरज चौधरी और चौधरी दोनों ले जाकर असरफी में गया और डॉक्टर से मिल करके उसको